जगन्नाथ महाराज की जय। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मैं पहुंच गया हूँ शिरडी, और शिरडी में पहले हम भोजनालय जा रहे हैं, भोजन करके फिर बाबा जी का दर्शन करने जाएंगे, कल मॉर्निंग में मिलाएंगे। और ये मीट एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक 50 रुपये का कूपन ले लिया है जिसमें स्पेशल खाना वगैरह है, तो ये देख सकते हो, और फ्री में भी चलता है यहाँ पे, फ्री में भी खा सकते हो। बट मैंने सोचा कि कुछ आया तो दान करें और ये 50 रुपये इसको ले लिया हूँ। चलते खाना दिखाते हैं, वहाँ खाते हैं। है लाइव दर्शन, आप देख सकते हो चल रहा है, बाबा जी का लाइव दर्शन कर सकते हो आप इंटरेस्टिक यहाँ पे, और आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। हम ये जो पब्लिक जा रहे हैं पीछे मेरे तरफ देख सकते हो, फ्री वाला खाना में जा रहे हैं, और फ्री का खाना चलता है और एक कूपन का, जो हम 50 रुपये कूपन ले लिए तो लोग फ्री में भी खाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे फ्री प्रसाद मील कूपन्स लिखा हुआ है दोनों जगह, और उधर जो है स्पेशल भी लिखा हुआ है, जो 50 रुपये का आता है, जो मैं ले चुका हूँ, आप देख सकते हो। गाइस हम आ गए हैं अतिथि भोजनालय, देख सकते हो ये 50 रुपये का मिलता है, और ये भोजनालय है, सारी चीज़ें आपको दिखा। गाइस ये है स्पेशल भोजनालय, देख सकते हो यहाँ पे सर। तो सो गाइस हमारा भोजन प्रसादी हो गया है, और बाबा जी का दर्शन करने बचा हुआ है, और जाएंगे दर्शन करने के लिए। और एक अच्छी जानकारी आप लोग को देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपीज़ का और फ्री का दो चलता है, जिसमें 50 रुपीज़ पे आप बढ़िया भरपेट फ्री में भी खा सकते हैं। लेकिन इससे ये देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन लाइव, एजुकेशन मतलब कि बहुत सारे धार्मिक जगहों में तो ये सुविधा है नहीं, लेकिन यहाँ पे सुविधा है। तो दो तरह का है, आपके पास पैसा है तो पैसा से आप कूपन खरीदिए और वो सब कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप फ्री में भी खा सकते हैं। तो दोनों चीज़ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। जिसके पास पैसा है अगर वो देना चाहता है तो दे के भी खा सकता है, जिसके पास गरीब है जो नहीं है वो भी खा सकता है, सबको खाने का हक है। आई होप सबको खाने का हक है, ज़रूर खाने का हक है। और ये क्या हो गया देखते हैं, क्या हो गया भाई को। सो गाइस बाबा के दरबार में आया और बाबा का आशीर्वाद ले लिया, तो क्या मतलब। ये भाई को कुछ हो गया है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ शायद मिर्गी उर्गी हो सकता है, और मोबाइल ही बज रहा है किसका आपका। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ज़रूर आती है, उसको हिम्मत के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है शारीरिक प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। और देख सकते हो बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, साईं बाबा जी के भक्त हैं, साईं बाबा के भक्त अनुयायी हैं, और दे रहे हैं सारी चीज़ें। एक बाबा जी से आशीर्वाद ले लेते हैं थोड़ा सा, साईं बाबा जी और बाबा जी आशीर्वाद है, बाबा जी साई के द्वार में आए हैं और आशीर्वाद ना लें ऐसा हो नहीं सकता। जय साईनाथ महाराज, जय साईनाथ महाराज, जय जय, कृपा बनाए रखना बाबा।